कभी भी गलती से अपशब्द यूज़ ना करें, कभी भी अपशब्द ना बोलें। जैसे किसी के लिए बोल देते हैं, ये तो बेकार है, पागल है ये। एक्चुअल हम किसी और को नहीं बोलते हैं, हम स्वयं को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मन उसे पहले सुनता है। आप किसी को कह के देखिए, आप पागल हैं। देखिए क्षणिक, अगर आप डीप चेकिंग करेंगे तो आप पाएंगे हल्के से इस चीज़ को आप विजुअलाइज भी कर जाते हैं कि पागल व्यक्ति कैसा होता है। जब विजुअलाइज करते हैं तो सबसे पहले इस विजुअलाइजेशन को कौन देखता है? सबसे करीब कौन है? आपका मन वही देखता है। जिसके मन ने उस विजन को पहले देखा, वो प्रतिक्रिया उस पर शुरू कर देता है। हम किसी और को जब कहते हैं ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप पागल हैं, इन द सेंस हम खुद को ही बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं गड्ढा किसी और के लिए खोदा, उसमें खुद ही गिरे। तो इसलिए अपनी वाणी पर भी विशेष ध्यान देना है कि हम किसी को कोई भी शब्द ऐसा ना बोलें जो कि डिवाइन ना हो, सात्विक ना हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने बोल इतने मीठे रखें कि जिन्हें कोई सुने तो उन्हें सुकून प्राप्त हो, राइट? उन्हें वरदान दें, तुम वरदानी मूर्त आत्माएं हो, वरदाता भगवान के बच्चे हो। तो जब भी किसी को बोले, बहुत मीठे बोल बोलें। तो देखिए, और ध्यान रहे एक बात, जब किसी को कुछ भी बोलें उसमें एक भी नेगेटिव शब्द ना यूज़ किया गया हो, जितना हो सके बचें। जैसे कि मानो अभी हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये उदाहरण देने के लिए हमें एक दो शब्द भी यूज़ करने पड़े, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि हमारी बुद्धि उसे विजुअलाइज ना करे, क्योंकि विजुअलाइजेशन के बाद मन कार्य करना शुरू कर देता है, राइट? तो बोले ही ना, बोलने की क्या ज़रूरत है हमें? उनसे बचिए, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बुद्धि विजुअलाइज करती है।